वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम अनपैक करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के स्नैपडील क्रेडिट कार्ड को, उसके बेनिफिट्स फीचर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। कैसा क्रेडिट कार्ड है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या ज्वाइनिंग फीस है, क्या एनुअल फीस है इस क्रेडिट कार्ड की, और क्या मुझे इस क्रेडिट कार्ड पर लिमिट मिली है, और क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है इस क्रेडिट कार्ड का। फुल डिटेल के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टैग धीरज। बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के इश्यू होने के 30 दिन के भीतर पहला ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 500 रुपए का स्नैपडील गिफ्ट वाउचर आपको मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए स्नैपडील पर स्पेंड करते हैं, तो आपको 20 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, जिनकी वैल्यू 5% के बराबर होगी। यहाँ पर एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 पैसे के बराबर होगी। इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर पर 100 रुपए स्पेंड करेंगे, तो यहाँ पर आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, जिनकी वैल्यू 2.50 रुपए के बराबर होगी। और इसके अलावा किसी अदर कैटेगरी पर अगर आप 100 रुपए स्पेंड करेंगे, तो आपको 4 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, जहां इनकी वैल्यू 1 रुपए के बराबर होगी। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलेगा, और एक महीने में हाईएस्ट 250 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड से आप ले पाएंगे। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर इस क्रेडिट कार्ड पर मैं बात करूँ, तो 21 साल से 65 साल का व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है, कार्ड टू कार्ड बेस पर भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इनकम प्रूफ, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होगी अप्लाई करने के लिए। इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की अगर मैं बात करूं, तो ज्वाइनिंग फीस 249 रुपये प्लस GST है, और एनुअल फीस भी 249 रुपये प्लस GST है इस क्रेडिट कार्ड का। मेरे ओपिनियन की अगर इस क्रेडिट कार्ड पर मैं बात करूं, तो ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है। स्नैपडील पर आपको 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिल रहा है, और अदर कैटेगरी पर भी आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिल रहा है। कार्ड की फीस की अगर मैं बात करूं, तो नॉमिनल सी फीस है 249 रुपये प्लस GST, और बेनिफिट्स इस क्रेडिट कार्ड पर आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं ये क्रेडिट कार्ड आपको रिकमेंड करता हूँ। ये मेरे BOB स्नैपडील क्रेडिट कार्ड का एनवलप, जिसको मैं अनपैक करने वाला हूँ, और इसमें मैं मेरी लिमिट भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं बैक साइड से ओपन करके इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उनको मैं निकाल लेता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका नाम और मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ है। क्रेडिट लिमिट यहाँ पर मेरी दिख रही है 35,000, और कार्ड नंबर दिख रहे हैं। इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ रुपए द्वारा पावर्ड ये क्रेडिट कार्ड है। स्नैपडील का लोगो लगा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ मैं नाम मेंशन है। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। हटाने के बाद अगर आप देखें, तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको पीछे की तरफ एक्सपायरी, CVV और कार्ड नंबर देखने को मिलेंगे। देखने में भी ये क्रेडिट कार्ड ठीक ठाक लग रहा है, और पेपर की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें एड्रेस, नाम और क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स दिए हुए हैं। ये एक पॉकेट है जो कि क्रेडिट कार्ड को रखने के लिए दिया हुआ है। अब इस वाले पेपर को अगर मैं उठाता हूँ, तो बैक साइड में देखेंगे यहाँ पर आपको बारकोड दिया है, इसे ऐप डाउनलोड करके इस क्रेडिट कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पे जो फीचर्स आपको अवेलेबल है उनके बारे में बताया हुआ है, क्या क्या फ़ीचर अवेलेबल है। इस पर आपको क्रेडिट कार्ड होल्डर और बैंक के बीच में जो एग्रीमेंट है वो लिखे हुए हैं, और चार्जेज के बारे में लिखा हुआ है। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और मेहनत अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आप मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।